Assalamualaikum everyone, this is Vakas Ali and welcome back to my YouTube channel. हम Excel के through advanced analytics perform कर रहे हैं और आज हमारा topic most demanding है, which is variance analysis. Usually as a data analyst हमारे पास task आता है कि हम explore करें और explain करें difference between the budgeted and actual cost. इस difference को हम variance कहते हैं. आज हमारा data भी वेरियंस से रिलेटेड है. हमारे पास एनुअल बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल बजटेड कॉस्ट है और हम आज वेरियंस एनालिसिस परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले तो आप इस डाटा को कन्वर्ट कर लें टेबल में. टेबल का क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताता हूँ. पहले तो हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं. पहले आप पूरे डाटा की रेंज को सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट में जाएँ और इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर दें. अगर आपके टेबल में हेडर्स हैं तो आप जहाँ पर चेक लगाएंगे, अगर हेडर्स नहीं हैं तो आप चेक नहीं लगाएंगे. मेरे टेबल में हेडर्स अवेलेबल हैं तो मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा. अब आप डाटा की फॉर्मेटिंग देखें कितनी खूबसूरत नजर आ रही है. आप डाटा को रीनेम कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेरियंस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली VA लिख देता हूँ. इसका फायदा क्या है? एक्चुअली डाटा जो है वो स्ट्रक्चर रेफरेंस को यूज करता है. स्ट्रक्चर रेफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सम करना है अपने बजट के कॉलम का तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पूरी रेंज दे दूंगा तो ये सम कर देगा. लेकिन ये काम टेबल में ज्यादा आसान है, इस तरह भी किया जा सकता है. लेकिन अगर आप सम लिखकर टेबल का नाम लिखेंगे विच इज VA और VA लिखने के बाद आप अगर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कॉलम है उसको सम करने वो नाम दे देंगे. अगर आपने पेंडास पढ़ी है जो कि हमारे पास डेटा साइंस एंड AI स्पेशलाइजेशन में हमने देखी थी, ये वही कॉन्सेप्ट है कि आपने डेटा फ्रेम का नेम यूज करना है यानी कि टेबल का नेम और आपने स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम दे देना है. तो देखें ये क्योंकि स्ट्रक्चर रेफरेंस को फॉलो कर रहा होता है तो ये यहाँ पे भी हमें सम निकाल के दे देगा. तो एक तो ये फायदा है कि आप टेबल को उसके नेम से कॉल कर सकते हैं और उसकी फील्ड को या उसके कॉलम को जो है वो आप कॉल कर सकते हैं इस तरीके से. सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालना चाहता हूँ दो कॉलम का, तो देखें मुझे क्या करना है. अगर मैं सिर्फ बजट माइनस एक्चुअल करता हूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा आ रहा है क्योंकि ये जो आपका सेल होता है उसको इस तरीके से कंसीडर कर रहा होता है पूरे कॉलम को. और जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. तो ये आपको कुछ फायदे मिलते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं जिसको हम टेबल फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं. इस डिफरेंस को जो कि आपने बजटेड माइनस एक्चुअल का, इसको हम वेरियंस कहते हैं. ये हम आगे जाके और फर्दर देखेंगे. आए अपने वेरियंस एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले तो आप इस डेटा को सिलेक्ट करें और इसको आप पाइवेट टेबल में कन्वर्ट कर दें. किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? आप इंसर्ट करें और पाइवेट पे क्लिक करें. जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट. यूजुअली हम न्यू वर्कशीट में पाइवेट टेबल बनाते हैं और ये हमारा पाइवेट टेबल आ गया. पाइवेट टेबल क्यों यूज होता है? पाइवेट टेबल इस वजह से यूज होता है कि आप अपने डाटा को ग्रुप करके एनालिसिस परफॉर्म करें. और क्योंकि हम वेरिएंस एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है. अगर आप इस डाटा को देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास यूजुअली जो बजटेड हमारे पास डाटा होता है वो उसमें हायरार्कीज होती हैं. फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि हमारे पास फंड है GSD. GSD फंड के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कह रहे हैं और उस डिपार्टमेंट के अंदर बिजनेस यूनिट, कंट्री रिटायर्ड मैच भी है, कंट्री टीच रिटायर मैच भी है. और फिर फर्दर ड्रिल डाउन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट अकाउंट है. तो आपने देखा कि जो हमारे पास लेवल ऑफ हायरार्की होती है अगर हम इसको अपने एनालिसिस में इन्वॉल्व करें तो इसको हम टेक्निकली ड्रिल डाउन करना कहते हैं. लेकिन आपके पास जो सबसे परफेक्ट आइडिया है कि वो आप हाई लेवल ऑफ हायरार्की से स्टार्ट करें. हम भी यही करेंगे. और हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले फंड जो कि सबसे हाईएस्ट हायरार्की है उसको रॉ में कर दिया. तो उसने देखे इसके ग्रुप्स बना लिए पूरे डाटा के. जो मल्टीपल टाइम आपके पास डाटा आ रहा था उसकी ग्रुपिंग कर ली. तो इसमें जितने भी ग्रुप हैं ये वो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे हैं. तो यही हमने प्राइवेट टेबल भी क्या करता है, आपका ग्रुप कर लेता है. जब डाटा को ग्रुप कर लेता है तो आप इधर अपना एक्चुअल डाटा दे दें, एक्चुअल बजट, एक्चुअल डाटा दे दें जो एक्चुअल आपने कॉस्ट इनकर्ड की और आप अपने बजटेड कॉस्ट को दे दें. तो यहाँ से आपको पता चला कि आपके पास एक फंड ऐसा है जिसमें आपके पास एक्चुअल कंजम्पशन ज्यादा है जबकि आपके बजटेड जो आपको बजट दिया गया था वो कम था और आपने एक्चुअली जो है वो अपने बजट को ओवर यूटिलाइज किया है. बाकी अगर आप देखें तो आपका जो
सिनेरियो है वो अंडर बजट को शो करता है। अंडर बजट का मतलब ये है कि आपको जो बजट एलोकेट किया गया था उससे आपने कम यूटिलाइजेशन की, तो उसको हम अंडर बजट कहते हैं। जबकि अगर आप बजटेड वैल्यू से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर लें तो इसको हम ओवर बजट कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेरियंस एनालिसिस में हम हायरार्की लेवल पे ड्रिल डाउन करते हैं, तो आए एक और हायरार्की को हम, लेवल ऑफ हायरार्की को हम अपने रॉ में ऐड करते हैं। लेकिन ये काम मैं एक न्यू शीट में करूंगा। तो ये मेरे पास शीट वन हो गई, इसको हम लिख देते हैं शीट वन, और अब हम सेकंड शीट को क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे पास सेकंड शीट आ गई, मैं इसी पे टेबल को कॉपी करूंगा और मैं क्या करूंगा, फर्दर ड्रिल डाउन करूंगा। फर्दर ड्रिल डाउन कैसे कर सकते हैं, फर्दर ड्रिल डाउन हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम फर्दर हायरार्की को अपने रॉ में ऐड कर दें। तो मैंने डिपार्टमेंट को भी ऐड कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि आपको डिपार्टमेंट वाइज जो है फंड एंड देन डिपार्टमेंट वाइज आपको बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहा है। क्योंकि पहले आपको जीएसडी जर्नल में टोटल वैल्यू ये नजर आ रही थी एक्चुअल और बजट की, लेकिन अब इसको और बाइफर्केट कर दिया गया ताकि आप उसको ड्रिल डाउन कर सके कि कहाँ पे आपने अंडर यूटिलाइजेशन की है, कहाँ पे आपने ओवर यूटिलाइजेशन की है। ये बहुत बड़ा है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। और तो आपने देखा कि हमारे पास कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सिंगल डिपार्टमेंट है, जैसे कि जीएसडी डेट सर्विस में आपके पास सिंगल डिपार्टमेंट है, एमएनपीएस डेट सर्विस में आपके पास सिंगल डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से एमएनपीएस जर्नल पर्पज में भी आपके पास सिंगल डिपार्टमेंट है, और यूएसडी डेट सर्विस में भी आपके पास सिंगल डिपार्टमेंट है, जबकि आपके पास जीएसडी जर्नल में मल्टीपल डिपार्टमेंट है और यूएसडी जर्नल में भी आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है। तो इन शॉर्ट आपके पास फोर फंड ऐसे हैं जिसमें आपके पास सिंगल डिपार्टमेंट है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम, अगर हमारे पास ग्रुप करने का ऑप्शन है तो हमारे पास कस्टम ग्रुप करने का भी ऑप्शन है। वो हम कैसे करेंगे, आए आगे चलते हैं और मैं एक और शीट ऐड करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए शीट इस वजह से बना रहा हूँ कि वर्जन आपके पास अवेलेबल हो और ये फाइल आपको जो है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें सिंगल डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक फंड ये हो गया, सेकंड फंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया एंड फोर्थ। लेकिन इन फोर में से जो थ्री फंड्स हैं वो डेट सर्विस के हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डेट सर्विस फंड है, जीएसडी डेट सर्विस, एमएनपीएस डेट सर्विस एंड यूएसडी डेट सर्विस। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने डेट सर्विस को एक कस्टम ग्रुप में ऐड कर लूँ, यानी कि इन तीनों का एक फर्दर एक ग्रुप बना लूँ। तो कैसे कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करें एक को, फिर आप कंट्रोल प्लस प्रेस करके आप दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट करें जो कि डेट सर्विस से रिलेट है, और जो तीसरा ग्रुप है उसको भी आप सिलेक्ट, तीसरा जो फंड है उसको भी आप सिलेक्ट कर लें जिसमें सिंगल डिपार्टमेंट है, और आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आप इसको ग्रुप कर दें। जब आप ग्रुप करेंगे तो ग्रुप का नाम आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूँ डेट सर्विस, और देखें इस ग्रुप में मेरे पास तीन ग्रुप आ गए, जीएसडी डेट सर्विस, एमएनपीएस डेट सर्विस और यूएसडी डेट सर्विस। तो आपको ये पता चल गया कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, और हमारे पास जो डेट सर्विस है इन तीन फंड्स का, जिसमें सिर्फ तीन डिपार्टमेंट है, उसका टोटल बजट था 2,9,22,6,700, और उसके लिए हमने अंडर बजट किया है। दिस इज द गुड साइन। इसी तरीके से आप सारे बजट्स को देख सकते हैं। तो ये हमने किया, अब आए थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करते हैं और इसको आगे मूव करते हैं, और ये काम मैं करूंगा अपने नेक्स्ट शीट पे जाके। वो किस तरीके से कर सकते हैं, अभी तो देखें, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम किसे वेरिएंस कहते हैं, बजट और एक्चुअल के डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं। ये तो मैंने टेबल में किया था, अब मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो प्राइवेट में आ रहा है। तो प्राइवेट में हम किस तरीके से कर सकते हैं, वैसे भी आप प्लस माइनस करके कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर मैं आपको करना बताऊं तो आप यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, आप एनालाइज, जब आप प्राइवेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्राइवेट टेबल के अंदर आपको एनालाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है। एनालाइज में आप जाने के बाद आपके पास फील्ड आइटम सेट है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी फील्ड को। देखें ये जो फील्ड आपको दी हुई है, इसको आप एक, ये फील्ड तो वो फील्ड है जो आपको ऑटोमेटिकली मिल रही थी आपके डाटा से, लेकिन अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। मैं कैलकुलेटेड फील्ड में क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे अपनी फॉर्मूला लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेरियंस। वेरियंस आपको पता है डिफरेंस होता है बजट और एक्चुअल का, तो ये डॉलर में है तो मैं इसको डॉलर में कर देता हूँ।
फॉर्मूला हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा बजट, डबल क्लिक करें, माइनस करें, एक्चुअल पे जाएं, बल्कि आप इंसर्ट फील्ड भी कर सकते हैं, तो जब भी ये आ जाएगा आप ओके करेंगे तो ये आपके पास डाटा कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। आप क्योंकि मैंने इसको इधर डॉलर में लिखा है, तो आप इस पूरे डाटा को डॉलर में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, होम में जाएं, करेंसी में जाएं और करेंसी आप कर दें डॉलर, तो देखें ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया। और आप इसके जो डेसिमल पॉइंट है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है रिमूव का, तो ये देखें मैंने इसको डेसिमल को रिमूव कर दिया है। हमारे पास कुछ इस तरीके से डाटा आ रहा है। आए मैं आपको एक और फील्ड को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ वो कैसे हम कर सकते हैं। आप कहीं पे भी पाइवट टेबल पे क्लिक करें, एनालाइज पे जाएं, एनालाइज पे जाने के बाद आप फील्ड एंड आइटम सेट पे जाएं, कैलकुलेटेड फील्ड करें, और अब मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ वेरियंस की। जैसे पहले मैंने आपको वेरियंस का डिफरेंस वेरियंस निकाल के दिखाया था, अब मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ परसेंटेज, दिस इज हाउ वी कंडक्ट द वेरियंस एनालिसिस। और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं या आप इंसर्ट फील्ड भी कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। मल्टीप्लाई बाय बजट, तो ये हमारे परसेंटेज आ गया। इसको हम करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। आप देखें मेरे पास ये दोनों फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे ऐड भी हो गई है। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये अभी डॉलर में दिखा रहा है और मैंने इसको परसेंटेज में निकाला है। ये कर देते हैं थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड कर दें, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। हमारे पास अगर इसको मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि डेट सर्विस में हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि डेट सर्विस डिपार्टमेंट है, जहां पे हमने ओवर यूटिलाइजेशन की है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो अंडर यूटिलाइजेशन को आ रही है। इसका मतलब है हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है अभी तक, हम लोगों ने अंडर यूटिलाइज किया है फंड को, ओवर यूटिलाइज नहीं किया, जो कि वेरियंस एनालिसिस हमें यहाँ पे बता रहे हैं। आए इसको फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं और मैं आपको परसेंटेज निकाल के बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम। वो किस तरह करेंगे आप, मैं इसको नेक्स्ट शीट में लेके चले जाता हूँ। जो अभी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो डिपेंड करती है आपके सिनेरियो पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्चुअल फील्ड को दोबारा से ऐड करता हूँ, तो देखिए मेरे पास एक और एक्चुअल फील्ड यहाँ पे आ गई, एक्चुअल टू जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, अच्छा अब एक्चुअल टू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे देखना है कि मेरे पास जो सर्विसेज हैं उसके अगर अकॉर्डिंगली जो रॉ की परसेंटेज है वो किस तरह हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास टोटल वैल्यू है, इसका मतलब है ये 100% है। 100% के हिसाब से अगर मुझे ये वैल्यूज देखनी हो कि 100% के अकॉर्डिंगली रिलेटिवली ये कितनी परसेंटेज है, तो आप किसी भी एक वैल्यू पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और आप जाएं शो एज वैल्यू और आप इसको कर दें परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो कॉलम टोटल के हिसाब से आपको ये परसेंटेज बताएगा। तो ये 100% है, मैं इनको मिनिमाइज कर देता हूँ आपके सामने ताकि आप थोड़ा सा बेहतर इस चीज को समझ सकें। तो आपने देखा कि ये मेरे पास 100% डाटा है जिसमें से यूएसडी जनरल पर्पज का जो फंड हमने जो है वो एक्चुअली यूज किया है 5.28% है, जबकि हमने इसको सबसे ज्यादा जो हमारा फंड हमने यूटिलाइज किया है वो हम लोगों ने किया है जीएसडी जर्नल पे, और फिर सेकंड नंबर पे हमने किया है एमएनटीएस जर्नल पर्पस में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉलम वाइज परसेंटेज चेक कर रहे हैं। इसका और भी एक और जो है वो और ग्रेन्युलर वे है, वो क्या है, मैं एक और मरतबा फॉर एग्जाम्पल मैं बजट को दोबारा से यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये बजटेड डाटा आ गया। फिर मेरे पास एक और ऑप्शन होता है पेरेंट को चेक करने का। पेरेंट को हम किस तरह चेक कर सकते हैं, मैं इसको जो है वो एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। मेरे पास देखें ये मेरे पास एक और बजट का कॉलम आ गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो मैंने किसी भी एक वैल्यू पे जाके राइट क्लिक किया सम ऑफ वैल्यूज की, और मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट ऑफ रो टोटल। पेरेंट क्या है, पेरेंट मेरे पास यूएसडी डेट सर्विस का यहाँ पे शो हो रहा है, ये डेट सर्विस का पेरेंट वैल्यू है। उस पेरेंट वैल्यू की अगेंस्ट मेरे पास हर रॉ की क्या वैल्यू है या हर रॉ की क्या परसेंटेज है वो हम कैसे देखेंगे। मैं गया समराइज एज वैल्यू, सॉरी शो वैल्यू एज, और मैंने कहा परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो आपने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो डेट सर्विस है वो 100% ये आ रही है, 100% में से 57% हमारे पास ये है,
मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो टोटल डेट सर्विस है, जो हमारे पास टोटल डेट सर्विस है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है, उसके अगेंस्ट हमारे पास डेट सर्विस के अंदर जीएसडी डेट सर्विस में हमारे पास 57.93% है, जबकि एमएनपीएस डेट सर्विस में हमारे पास 35% है और ये हमारे पास 7%। अगर इन तीनों को मैं सम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 100% मिलता है। तो ये वाला जो मैंने काम किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम किया था, जबकि ये वाला मैं काम कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेरेंट पेरेंट परसेंटेज कर रहा हूँ। ये पेरेंट वैल्यू और उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट करके उसकी जो परसेंटेज बता रहा है वो ये बता रहा है। सिमिलरली हमारे पास ये पेरेंट वैल्यू और उसके अगेंस्ट सिंगल डिपार्टमेंट है तो ये ऑब्वियसली 100% कहलाएगा। हमारे पास यहाँ पे ये पेरेंट वैल्यू है, पेरेंट वैल्यू के अगेंस्ट ये हमारे पास एक सिंगल डिपार्टमेंट है तो ये 100% दिखा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि ये हमें कॉलम वाइज परसेंटेज भी बता रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई थी। देखें मैं इसको फर्दर मिनिमाइज करता हूँ और मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पेरेंट टोटल से फायदा ये हुआ कि ये कॉलम वाइज भी आपको परसेंटेज दिखा रहा था और आपको पेरेंट टोटल वाइज भी परसेंटेज दिखा रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है इसके अगेंस्ट इन तीन जो आपके पास बोल्ड वैल्यू उनकी परसेंटेज कुछ ये आ रही है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से जो है वो ड्रिल डाउन कर सकते हैं और अपने एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक सर्विस डेट सर्विस ऐसी है जहाँ पे हमने हमारा जो वेरिएंस है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बजट एलोकेट किया था उससे ज्यादा हमने अपनी फंड्स की कंजम्पशन की है। अब टाइम आता है कि हम अपनी ऑडियंस को यानी कि अपनी मैनेजमेंट को ये किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। तो आए इसको देखते हैं, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको और मैं नेक्स्ट शीट में जाके आपको बताता हूँ कि हम अपने मैनेजमेंट को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने का जो असल वे होता है वो ये होता है कि आप ग्राफिकली प्रेजेंट करें। पहले तो मैं इन सबको अनचेक कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक क्लीन पिवट टेबल आ जाए। मैं अपनी मैनेजमेंट को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन कैसे हुई है। तो मैं पहले फंड टू को रो में लेकर आया, तो आपको पता है ये फंड टू वो थे जिसमें मैंने एक कस्टम ग्रुप बनाया था, और उसके बाद मैं अपने फंड्स को फिर नीचे लेकर आ जाता हूँ जिसमें मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज फंड्स आ जाएंगे और मेरे पास लेट सपोज वेरिएंस परसेंटेज आ जाती है जिसको मैं दोबारा से कन्वर्ट कर लेता हूँ परसेंटेज में और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारे पास जो तरीका होता है वो यूजुअली यही तरीका होता है कि हम अपनी मैनेजमेंट को ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाएं। तो हम कैसे कर सकते हैं, आप प्राइवेट में आए, प्राइवेट में आने के बाद जब आप प्राइवेट में आ जाएंगे, प्राइवेट इंसर्ट में आ जाएंगे, प्राइवेट में आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा प्राइवेट चार्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट कॉलम चार्ट बता रहा है जो कि रेकमेंडेड चार्ट है। आपको पता है कैटेगरीज के अगेंस्ट अगर वैल्यूज हों जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था तो हम पाई चार्ट या कॉलम चार्ट बनाते हैं या बार चार्ट बनाते हैं। तो देखें जो हमें रेकमेंड कर रहा है वो भी कॉलम चार्ट है, आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया, आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे फंड्स, हमारे पास डेट सर्विस नहीं दिखा रहा बल्कि डेट सर्विस के अगेंस्ट जितने फंड्स हैं वो भी दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे डेट सर्विस कंबाइन करके दिखाए तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा और मेरे पास कोई डेटा इस तरीके से आ रहा होगा। फिर मैंने आप लोगों को डेटा किससे के साथ प्ले अराउंड करना बताया था, डेटा के एलिमेंट के साथ आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं अपने एक्सेस को फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी 0.05 और जो डिफरेंस होगा वो होगा आपके पास 0.05। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखा दिया, आप देखें प्लीज। ठीक है, आए और एक और प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं हम एक और शीट में लेके जाते हैं और इसके अगेंस्ट हम, मैं यहाँ पे अब वेरियंस को रिमूव कर देता हूँ और एक्चुअल और बजटेड वैल्यू को यहाँ पे शो करता हूँ। तो जब भी आप मैनेजमेंट को शो करें तो आप उनको टेबुलर फॉर्म में भी शो करें और ग्राफिकल फॉर्म में भी शो करें। इसकी डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं और इसको हम करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारी करेंसी हो गई और हम डिनोमिनेशन को इसको रिमूव कर देते हैं। अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा से इंसर्ट में जाके प्राइवेट चार्ट में जाता हूँ, प्राइवेट चार्ट में क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का चार्ट दिखा रहा है जो कि एक कॉलम चार्ट है। मैंने इस कॉलम चार्ट को किया, अब देखें ये मुझे बायफर्केट नहीं करके दे रहा, अगर मैं करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, मैं प्लस दबाऊंगा तो मुझे बायफर्केट करके दे देगा।
आपने नहीं करना था, आप माइनस क्लिक कर दें तो देखें ये आपको बता रहा है। यूजुअली ऐसा ही हुआ है कि जो ऑरेंज बार है वो हमारे एक्चुअल कंजम्पशन को शो कर रहा है, जबकि हमारा जो ब्लू बार है वो हमारे बजट को शो कर रहा है। हमारे पास यूजुअली जो है वो हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, जिसमें हमने एक्चुअल जो हमारे पास बजट है और जो हमारे पास सॉरी एक्चुअल जो हमारे पास कंजम्पशन है और जो बजट कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, जबकि हमने जीएसडी जर्नल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, जहाँ पे हमारी एक्चुअल जो कंजम्पशन है वो लेस है, लेसर देन है एक्चुअल आपके बजटेड वैल्यू के। तो एक हमने अच्छा परफॉर्म किया है। आए हम अब फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं, जो हम अपनी मैनेजमेंट को दिखाएंगे किस तरीके से। आप इंसर्ट कर सकते हैं एक वर्कशीट, मैंने यहाँ पे वर्कशीट इंसर्ट कर दी और इसको कहता हूँ फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में आप कोई भी चार्ट, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके इस चार्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं फाइनल रिपोर्ट में गया, मैंने यहाँ पे जाके इस चार्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है जो हम अपनी मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द वेरियंस एनालिसिस, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सिमिलरली आप जो है यहाँ से चार्ट को भी कॉपी कर सकते हैं किस तरीके से। सिर्फ यहाँ से आपने कंट्रोल सी करना है और फाइनल रिपोर्ट में जाके आपने पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दें ताकि आपकी मैनेजमेंट को एक परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाए। सिमिलरली आपने आखिरी शीट में भी जाना है और इसको सिलेक्ट करना है इस पूरे चार्ट को, और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है फाइनल रिपोर्ट में। नीचे हम पेस्ट कर देते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो वेरिएंस एनालिसिस किए, जिसकी हमने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में हमने डिपार्टमेंट वाइज ड्रिल डाउन किया। हम इसको फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं, इसमें से हमने देखा कि हमारे पास परफॉर्मेंस कैसी है, टेबलर फॉर्म में भी परसेंटेज निकाली हम लोगों ने, इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो कॉलम वाइज भी परसेंटेज निकाली थी, और सिमिलरली हम लोगों ने एक्चुअल परसेंटेज वगैरह भी निकाल के देखा था, जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा इस शीट में। मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ और फाइनल रिपोर्ट में इस वैल्यू को डाल के आपको शो करवाता हूँ। इसको हम रिमूव कर देते हैं। डिलीट, और यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे मैं अपना चार्ट जो है वो इसको थोड़ा सा और मूव करते हैं। अब मैं अपना चार्ट को कॉपी कर देते हैं। हमारे पास ये चार्ट था, इसको अब हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो आप देखें हमारे पास जो है वो डिफरेंट परसेंटेज भी यहाँ पे शो हो रही हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि पेरेंट पेरेंट रॉ के अकॉर्डिंगली भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं और पूरे कॉलम के। ये चीज़ आप प्रेजेंट करेंगे अपने मैनेजमेंट को। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द वेरियंस एनालिसिस। वेरियंस एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन द वेरियंसेस, और वेरियंस किसे कहते हैं, जो कि एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा जो ट्रेनिंग है वो पसंद आई होगी। हमारे इसके साथ साथ जो है वो डाटा साइंस एंड एआई की स्पेशलाइजेशन भी जो है वो ऑन गोइंग है, जिसमें हम जेनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में हम स्ट्रीमलेट पे भी एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। तो आप डाटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन भी हमसे सीखें और फॉलो करें, और आप एडवांस एक्सेल के थ्रू भी एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में हम पावर बीआई और टैबलो पे और डेटा इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पे भी काम करेंगे, एंड इवन हम क्लाउड्स पे भी काम करेंगे। स्टे कनेक्टेड, आप ये वीडियोस देखें, इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप किसी भी मार्केट में परफॉर्म नहीं कर सकते। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।